पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड पंजाब पुलिस को दे दी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब में सख्ती से पूछताछ होगी। पंजाब पुलिस अब उससे वो तमाम राज उगलवाएगी जिसके बारे में उसके घुर्गे महाकाल और संतोष जाधव ने पुणे पुलिस को इशारों में बताया है। डी कंपनी के तर्ज पर देश में जुर्म का साम्राज्य खड़ा करने के सपने को लॉरेंस कैसे हकीकत में बदल की तैयारी कर रहा था और उसके टारगेट पर कौन कौन है, अब इन सारे सवालों का जवाब खुद देगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। देश में टेरर का दूसरा नाम बन चुके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस के हवाले करने का आदेश जारी कर दिया। आर्म्स एक्ट के एक पुराने केस से जुड़े मामले में हुई पेशी के बाद कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस के हवाले करने का फैसला सुना दिया। अब पंजाब पुलिस सीधे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जुबान से सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी तमाम सच्चाई उगलवा सकती है। हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में खुद को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले किए जाने के खिलाफ अर्जी दी थी और कोर्ट से कहा था कि पंजाब में मेरी जान को खतरा है, डर है कि पंजाब पुलिस मेरा फेक एनकाउंटर कर सकती है। मगर पंजाब पुलिस की अपील को जरूरी समझते हुए कोर्ट ने पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने का फैसला सुना दिया। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में मूसेवाला हत्या का मास्टरमाइंड, अब कातिल खुद उगलेगा सिंगर की हत्या का हर राज। यूं तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही चार रंस बिश्नोई की कुंडली खंगालने में जुटी है। उसके जुर्म के काले साम्राज्य की एक एक ईंट को हटाकर उसका इतिहास खंगाला जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात का दायरा आगे बढ़ रहा है, पुलिस को हर रोज इस गैंगस्टर के नए नए कुकर्मों का हिसाब मिल रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसके काले साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि इस केस में अब तक पुलिस के हाथ इतने पर्याप्त सबूत लग चुके हैं जो इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे। बावजूद इसके हत्या जैसी वारदात को बेझिझक अंजाम देने वाले इस शातिर गैंगस्टर को भी अपनी जान का डर सताने लगा है, इसलिए वो अपने वकील के जरिए मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में गिड़गिड़ाता रहा। वो कहता रहा, पंजाब में मेरी जान को खतरा है, डर है कि पंजाब पुलिस मेरा फेक एनकाउंटर कर सकती है। कहते हैं ना, जुर्म के रास्ते की कोई मंजिल नहीं होती। आखिरकार 30 साल की उम्र में गुनाह का साम्राज्य खड़ा करने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भी अपने हश्र के करीब पहुंच चुका है। एक जेल से निकलकर वो पंजाब की जेल में पहुंचने के कगार पर आ चुका है। लेकिन जेल के अंदर से पूरे देश में 600 से ज्यादा शूटर्स के जरिए अपने गुनाह का साम्राज्य चलाने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को डर क्यों लग रहा है, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। क्योंकि 30 साल के इस गैंगस्टर ने पंजाब से ही जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा और धीरे धीरे पूरे देश में डर और खौफ का सिक्का जमा लिया। बताया जाता है कि बेहद कम उम्र में ही इसने अपने गुनाह के जरिए ऐसी धमक पैदा कर दी कि इसके नाम पर कई करोड़ों की फिरौती का काला कारोबार बेरोक टोक चलने लगा। खुद पुलिस भी ये मानती है कि हथियार फिरौती जैसे धंधे का ये इकलौता किंगपिन है जिसने डी कंपनी जैसे गैंग के पैटर्न को एक नई शक्ल दी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को बदला करार दिया गया था, लेकिन पुलिस जांच में ये सामने आया है कि बिश्नोई गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या बदला लेने के लिए नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में अपनी धमक बढ़ाने के लिए किया, ताकि इसका करोड़ों का वसूली का धंधा बंदूक की नोक पर डर और खौफ के साए में बेरोक टोक चलता रहे। लॉरेंस, कुछ बोलोगे, बताओगे? देखिए, महाकाल का जो मिस सलमान वाला जो इशू है, महाकाल ने कुछ हमें क्लू दिए थे, उसके बेस पे हमारी टीम जो है राजस्थान और दिल्ली में काम कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई को इंटरोगेट करने गई है। संतोष जाधव का उसमें क्या लिंक है वो हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऑब्वियसली
महाकाल जो है उसी ने मीन संतोष यादव का ही आगे वो है, इसी ने उसको प्रॉप अप किया हुआ है। तो संतोष यादव को हो सकता है कुछ मालूम हो उसके बारे में, वो हम कोशिश करेंगे वो भी लिंक निकालने का। मूसेवाला का मर्डर बदले के लिए नहीं, खौफ पैदा करने के लिए अंजाम दी गई। मैं ये बोलता हूँ कि जब भी ये मूसेवाला का जो वहाँ पे हत्या हुई, जब भी इस परिस्थिति का फायदा लेके अपना एक रुबाब बनाने के लिए ये गैंग ने, जो बिश्नोई गैंग है, ये गैंग ने इसमें इसका एक फायदा लेने की कोशिश की है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यानी सारी बातें सामने नहीं आई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और कुछ दिन लगेंगे और कुछ दिन के बाद इसके बारे में सारी स्पष्टता होगी। आपको बता दें 29 मई को मनसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सत्याकांड का आरोप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगा। पंजाब पुलिस के मुताबिक बिश्नोई ने ही बदला लेने की नियत से अपने शार्प शूटर्स के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना था कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह कबूल किया है कि उसके गैंग ने ही पंजाबी सिंगर की हत्या की है, लेकिन आर्म्स एक्ट के एक पुराने केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती थी, लिहाजा सीसीटीवी कैमरों में दर्ज गुनहगारों के जरिए और सुरागों की मदद से इस हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू की गई। और जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती गई, सबूतों और गवाहों की पूरी फहरिस्त पुलिस के हाथ लगती गई। महाकाल बना बिश्नोई गैंग के लिए काल, महाकाल की निशानदेही पर हाथ लगे अहम सुराग। जी हाँ, पुणे पुलिस के हत्थे चढ़ा बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर संतोष यादव भी सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल की निशानदेही पर ही आया। उसकी दी गई जानकारी के बूते ही धीरे धीरे सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में शामिल गुर्गों के गुनाहों से पर्दा उठता गया। लेकिन इस केस में असल ट्विस्ट तब आया जब पुलिस को ये पता लगा कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या बदला लेने के लिए नहीं बल्कि जुर्म की काली दुनिया में धमक पैदा करने के लिए की गई थी, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लोगों में उसके नाम का ऐसा डर और खौफ पैदा हो जाए जिसके दम पर वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही अपने गैंग के जरिए पूरे देश के बड़े कारोबारियों और सिंगर्स से मोटी फिरौती वसूल सके। बॉलीवुड के भाईजान को धमकी देने की वजह भी महाकाल ने पूछताछ में बताई। दरअसल भाईजान को धमकी देने के पीछे एक्सटोर्शन सबसे मुख्य वजह थी। सलमान खान को धमकी देने का मतलब है कि पूरे बॉलीवुड में एक तरह से दहशत पैदा करना और यही दहशत पैदा करके बॉलीवुड से बड़े पैमाने पर उगाही करने की प्लानिंग थी बिश्नोई गैंग की, जैसे कि एक जमाने में कभी डी कंपनी और अबू सालिम गैंग की हुआ करती थी। और यही रणनीति बिश्नोई गैंग भी बना रहा था कि अगर सलमान खान को धमकी देकर उगाही करने में वो कामयाब रहे तो उनका पैट बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर हो जाएगा। डी कंपनी की तरह वसूली का धंधा करना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली धमकी भरी चिट्ठी के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने बड़ा खुलासा किया है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच के दौरान महाकाल ने ये बात खुद कबूली है कि सलमान खान के पिता को धमकी भरी चिट्ठी देने वाला भी बिश्नोई गैंग का ही गुर्गा था और मूसेवाला की हत्या के बाद वो अपनी ताकत का एहसास दिलाकर डर का माहौल बनाना चाहता था, जिसके जरिए वो महाराष्ट्र समेत पूरे देश में बड़े कारोबारियों और बॉलीवुड के कलाकारों को धमका कर डी कंपनी की तरह फिरौती वसूलने का काला धंधा चला सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।